है कि दोस्त साथ नहीं देते। देखो मैं एक बात को अच्छे से समझ लो, दोस्त संसारी दोस्त साथ देंगे भी नहीं। जो भी अध्यात्म के रास्ते पर चलता है ना, उसे अकेले ही चलना पड़ता है। इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए, जो भी अध्यात्म के रास्ते पर चलता है उसके अकेले ही चलना पड़ता है। कबीर साहब जी ने भी अपनी वाणी में कहा है कि संतों की जो है वो भीड़ नहीं हुआ करती और शेरों की कोई जमात नहीं हुआ करती। मतलब अगेन, भीड़ नहीं होती, शेर अकेला ही चलता है। अध्यात्म का जो रास्ता है, आत्मज्ञान का जो रास्ता है, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे एकदम अपहिल टास्क है, जैसे पहाड़ी की ऊंचाई पर चलने वाला टास्क है। वहां पर वो लोग बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाएंगे जो बोझ लेकर चलेंगे। तो कोई साथ नहीं देगा, इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपको डर लगता है तो चढ़ने से पहले से इनकार कर दीजिए। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको बहुत दिलासा देने वाला हूं इस मामले में, बिल्कुल भी नहीं। कोई दिलासा यहां से नहीं मिलने वाला, अकेले हैं, अकेले चलना पड़ेगा। हाँ, आपको अगर संसार से कोई कंसर्न है, वो कंसर्न सिर्फ इतना है कि मुझे एक बार ज्ञान प्राप्त हो गया, एक बार आत्म ज्ञान हो गया, तो फिर संसार को देने के लिए लौटना है, देना है, जैसे बुद्ध ने किया। लेकिन जब जरूरत थी तब संसार से बिल्कुल अलग रहे। जब अपना जब तक कल्याण नहीं हुआ था, तब तक पूरी तरह से दुनिया से अपने आप को डिटैच करके रखा हुआ था। कभी कबीर जी की जगह लिखते हैं कि जग से 36 होइ रहो राम चरण छै तीन। संसार से तो 36 का आंकड़ा बैठता है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि भाग जाना है संसार से, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं इसका मतलब। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि संसार से हमारी उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं पटेगी जिनका लक्ष्य जो है वो केवल संसार की प्राप्ति है। उनसे आपकी बिल्कुल नहीं पटेगी। आपकी दोस्ती उन्हीं लोगों के साथ ही टिक पाएगी जो अध्यात्म की राह में, अगर वहां पर भी ऐसे लोग ही होंगे जो बहुत लंबे समय साथ देने वाले नहीं है। इसलिए बहुत ये मत सोच के देना कि यहाँ पर कोई बहुत लंबा साथ मिल जाएगा, किसी चीज के पीछे मत पड़ जाना। तो मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अकेले चलने की हिम्मत करना, तभी रास्ता मिलेगा।